कि ट्यूबरक्लोसिस में कोई भी घरेलू या गौरान इलाज नहीं चलेगा, आपको इसमें AKT4 ये जो डॉट्स ट्रीटमेंट है या एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है यही लेना पड़ेगा, इसके सिवा इसका कोई ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड बी इन टच। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी और आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों आज का टॉपिक एक बहुत ही अच्छा और एक लाइफ सेविंग टॉपिक बनने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि आज 24 मार्च आज है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। ट्यूबरक्लोसिस डे मतलब फ्रेंड्स आपको पता होगा कि ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी, टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम हिंदी में या मराठी में फ्रेंड्स क्षय रोग कहते हैं। क्षय रोग ये जो है दोस्तों ये हमारे छाती में फुफ्फुस या लंग्स जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं उससे रिलेटेड ये आज़ार है फ्रेंड्स। इसमें क्षय रोग जो है ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम कहते हैं फ्रेंड्स, उसके बारे में आज हम डिटेल बात करेंगे फ्रेंड्स। इसके ट्रीटमेंट क्या है, ये किस चीज़ से होता है, फिर इसमें प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए, फिर इसमें सप्लीमेंट्स क्या हम लेंगे, इस बारे में हम आज डिटेल्स बात करेंगे फ्रेंड्स। सब में पहले इसके बारे में बात बताऊँगा कि ये जो ट्यूबरक्लोसिस है फ्रेंड्स ये एक बैक्टीरिया से होता है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है और लंग में ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलम। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलम इस बैक्टीरिया का नाम है और ये जो है एक व्यक्ति ने खोज निकाला था बहुत पहले, उसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में दे दूँगा फ्रेंड्स। तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलम जो है ये हमारे चेस्ट में लंग्स के ऊपर काम करता है फ्रेंड्स, और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलम जो है ये शरीर के दूसरे हिस्सों में भी हो सकता है, जैसे कि हमारे स्पाइन में हो सकता है, हमारे बोन्स में हो सकता है, फिर लंग्स के आजू बाजू भी ये हो सकता है। एक रहता है ट्यूबरक्लोसिस इन द लंग, दैट इज़ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, और एक रहता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी जिसको हम मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, कि जो लंग के बाहर जो होता है, कभी कभी ब्रेन में भी ट्यूबरक्लोसिस होता है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है या हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें भी कभी कभी ट्यूबरक्लोसिस होता है फ्रेंड्स, जिसको हम मेनिनजाइटिस या ट्यूबरक्लोम ऐसा बोलते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो ट्यूबरक्लोसिस है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ट्यूबरक्लोम इस बैक्टीरिया से होता है और ये जो है हमारे चेस्ट में मेनली पल्मोनरी जो है इसमें ये जो होता है फ्रेंड्स, इसका जो है मेन हम इसके बारे में आज बात करेंगे और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये ट्यूबरक्लोसिस होने का मेन कारण तो जैसा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो मैंने बताया फ्रेंड्स, बट ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्यों होता है, जब हमारी इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी कम होती है, जब हमारा इम्यून रिस्पॉन्स कम होता है, जब हमारे शरीर में एक इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति जब कम होती है फ्रेंड्स, तब जो है इस प्रकार का हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। रोग प्रतिकार शक्ति कम हो गई तो हमारा खाना कम हो जाता है, और हमारा खाना जब कम हो जाए फ्रेंड्स तो हमें लगभग सोचना चाहिए कि हमें कुछ तो भी प्रॉब्लम है। तो ट्यूबरक्लोसिस हुआ है या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलम का इन्फेक्शन हमें हुआ है ये हम कैसा जानेंगे फ्रेंड्स, ये कैसा हमें समझेगा, तो उसके मैं लक्षण आपको बताऊँगा कि ट्यूबरक्लोसिस के जो लक्षण हैं मोस्टली सब में पहला लक्षण, इम्पॉर्टेंट लक्षण आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा कफ होता है। कफ मतलब खांसी, खांसी जो है पेशेंट इसमें बहुत ज़्यादा खांसता है फ्रेंड्स, और जब खांसता भी है पेशेंट तो अंदर उसको चेस्ट में बहुत पेन होता है, तो उस प्रकार की जब खांसी है और खांसी इतनी खांसी होती है पेशेंट को कि वो रुक नहीं पाती है, कंटिन्यूस कफिंग जब होती है तब थोड़ा सा हमें डाउट ले लेना चाहिए फ्रेंड्स। दूसरा इसका सिम्टम क्या है, साइन सिम्टम क्या है, ये बाबा इस कंडीशन में जो है हमें बार बार जो है फीवर आता है, बुखार हम जैसे कहते हैं, तो कफ के साथ अगर फीवर है तो थोड़ा सा डाउट दिमाग में रहना चाहिए। तीसरा और मोस्ट और इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इवनिंग राइज फीवर, शाम के टाइम पर ही फीवर बहुत ज़्यादा आता है, तो इवनिंग राइज फीवर एक संकल्पना इसमें है फ्रेंड्स फीवर के बारे में। थर्ड जो है इसमें फ्रेंड्स वेट लॉस होता है, आपका वज़न कम होने लगता है, तो आपको वज़न की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और आपकी बॉडी अगर बहुत ज़्यादा है फैली हुई और वो ऑटोमेटिक अगर कम होती जा रही है, वो सूख रही है, तो कुछ तो भी प्रॉब्लम
है फ्रेंड्स, ये बताया। फिर ट्यूबरक्लोसिस होने के बहुत से कारण हैं, जैसे कि समझो एक तो बताया इम्यून सिस्टम वीक है, तो इम्यून सिस्टम वीक क्यों हो सकती है, बहुत सी प्रॉब्लम है, या कोई पेशेंट या कोई व्यक्ति पेशेंट के संपर्क में आ रहा है तब भी उसको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स में वर्क करने वाले स्टाफ या डॉक्टर्स को भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, या फिर ट्यूबरक्लोसिस वार्ड में एकेटी वार्ड जो इसको कहते हैं उस वार्ड में कोई काम कर रहा है तो उसको भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, या ट्यूबरक्लोसिस डॉट सेंटर में जो लोग काम करते हैं उनको भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमें जो है हमें हमारा खुद का भी प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को मिल रहे हैं तो आपके चेहरे पर मास्क होना चाहिए, ज़रूरी है, और ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट ने भी अपने चेहरे पर मास्क लगाना चाहिए जब वो बाहर जा रहा है, किसी से मिल रहा है, या फिर जब वो खांस रहा है तो ऐसा हाथ लगाना चाहिए। ये उसके खुद के भी प्रोटेक्शन के लिए है और सामने वाले की प्रोटेक्शन के लिए है। दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस जो है ये बहुत बड़ा बीमारी या बहुत बड़ा रोग नहीं है, ये ठीक हो सकता है, बट कभी कभी क्या है पेशेंट इसको सीरियसली नहीं लेते और इनको ये दोबारा हो जाता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जैसा मैं बताया डॉक्टर्स या स्टाफ्स को भी हो सकता है। फिर थर्ड जो है, कोई पेशेंट अगर किसी को HIV या ट्राइडोट पहले से ही है तो उसको भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, क्योंकि उसकी जो इम्यूनिटी है पहले से ही वीक हो गई है फ्रेंड्स। कोई पेशेंट है जिसको अल्कोहल पीता है और उसका लीवर ख़राब है, उसको हेपेटाइटिस है या जॉन्डिस है, और HBsAg भी उसका पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस बी भी उसको हुआ है, तो भी उसको जो है फ्रेंड्स कभी कभी जो है ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। तो ऐसे बहुत से कंडीशंस लगना है उसमें भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। अब ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण भी मैंने बताया, फीवर है, इवनिंग राइज, खांसी है, बहुत ज़्यादा कफ है, वेट लॉस है, एनोरेक्सिया है, भूख नहीं लगना, और उल्टी मड़मड़ होना, और बहुत ज़्यादा वीकनेस और मेंटल स्ट्रेस और टेंशन, ऐसे बहुत सी चीज़ें जो हैं, और रेस्टलेस, ये जो सब लक्षण है ये ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में दिख सकते हैं। अब ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट है और ऐसे लक्षण दिख रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमें करना क्या है, हमें उसका डायग्नोसिस समय पहले करना होता है। तो डायग्नोसिस क्या है, जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि नहीं पता नहीं, पर मैं आपको बताऊंगा कि आजकल जो है गवर्नमेंट ने टीबी का इरेडिकेशन, टीबी को हमारे देश से बाहर करने के लिए बहुत से कदम उठा रखे हैं, उसमें वो टीबी के पेशेंट्स को जो है मंथली जो है कुछ खर्च करने के लिए पैसे भी देते हैं, फिर टीबी का इलाज गवर्नमेंट जो है फ्री में करती है फ्रेंड्स, और वो भी आपके घर तक ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है। फिर आपको जो आपके एरिया के प्राइवेट डॉक्टर हैं, प्राइवेट क्लिनिक है, वहाँ पे भी जो है गवर्नमेंट जो है टीबी के किट या बॉक्स वहाँ पे देती है कि पेशेंट जो है रेगुलरली वहाँ पे आके ट्रीटमेंट ले ले। तो गवर्नमेंट भी जो है ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा केयरफुल है, ध्यान रखी हुई है, और बहुत ज़्यादा फंडिंग भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को ट्यूबरक्लोसिस को इरेडिकेट करना है, तो ये भी बात आप ध्यान में रखिए। तो ट्यूबरक्लोसिस का गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी बहुत अच्छा इलाज है, या प्राइवेट में भी आप इलाज कर सकते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस का जब आप डायग्नोसिस कर रहे हैं तो समय पहले अगर आपको ये 4-5 लक्षण हैं तो आपने एक्सरे करना चाहिए फ्रेंड्स, ये एक्सरे में कहीं आपको दिखता है क्या कुछ, नंबर वन। फिर आप और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो सीटी चेस्ट या सीटी थोरैक्स भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट सीटी स्कैन ऑफ थोरैक्स भी कर सकते हैं, नंबर टू। फिर आप थर्ड स्टेज पे आप जो है CBC और ESR, ये दो ब्लड टेस्ट करा के ले सकते हैं, प्लस LFT और KFT, लीवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट भी आपने करा लेना चाहिए। CBC में जो है WBC कभी कभी बड़े हुए रहते हैं, ESR तो डेफिनेटली बड़ा हुआ रहेगा, 10 ये जो है नॉर्मल मेल में है और 20 फीमेल्स में होता है, तो उससे अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन चालू है। तो ये ब्लड में हुआ, एक है और एक टेस्ट है इसमें स्पूटम टेस्ट बोलते हैं, मतलब थूक जो कफ हमारे छाती में से निकल रहा है उसका हम टेस्ट करते हैं, स्पूटम फॉर AFB ग्राम स्टेन एंड कल्चर सेंसिटिविटी। एसिड फास्ट वैसिल है स्पूटम में है क्या, ग्राम स्टेन है क्या, ठीक है, AFB ग्राम स्टेन और कल्चर सेंसिटिविटी, ये जो है हम वो स्पूटम में देखते हैं, और उस पर भी कभी कभी स्पूटम प्लस फॉर AFB और डबल प्लस फॉर AFB भी वहाँ पे समझ में आता है। तो ये जो है टेस्ट हैं फ्रेंड्स, तो इतना टेस्ट आपको करना चाहिए। अगर इस टेस्ट में कोई भी 2-3 चीज़ें अगर पॉजिटिव दिख रही है, एक्सरे है, सीटी थोरैक्स है इसमें दिख रहा है, और कभी कभी स्पूटम नेगेटिव भी आता है, तो एक्सरे और सीटी थोरैक्स में कन्फर्म हो जाता है, और कुछ ट्यूबरक्लिन ब्लड टेस्ट भी उसमें कराते हैं फ्रेंड्स। ये हुआ टेस्ट। अब आपको जब डायग्नोस हो गया है कि आपको TB हुआ है फ्रेंड्स, ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, तो आपने इमीडिएटली उसके ट्रीटमेंट पर जाना चाहिए। उसका ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है,
कोई पेशेंट में 6 महीने देते हैं, किसी पेशेंट में 9 महीने देते हैं। मैक्सिमम आज के टाइम में 6 महीने का ट्रीटमेंट कंपलसरी हुआ है फ्रेंड्स। 6 महीने में भी 2 महीने जो है हम जो है 84 टैबलेट देते हैं। 84 में आइसोनियाज़िड, रिफैमसिन, पैरेजनेमिड और इथैम्बिटल, ये 4 कंटेंट है। ये जो चारों ड्रग है इसको एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग बोलते हैं सर फ्रेंड्स। रिफैमसिन की कैप्सूल आती है 450 mg की फ्रेंड्स, ठीक है। आइसोनियाज़िड जो है वो 300 mg रहता है, इथैम्बिटल 800 mg रहता है और पैरेजनेमिड 750 mg ये इसमें कंटेंट है फ्रेंड्स। तो आपने कभी 84 की टैबलेट देखी है तो इसमें एक कैप्सूल और 3 टैबलेट होते हैं। वो कैप्सूल में एक जो कैप्सूल है वो रिफैमसिन की 450 mg की होती है, 2 टैबलेट पैरेजनेमाइड के वो 750 mg के होते हैं और 1 टैबलेट में कॉम्बिनेशन है इथैम्बिटल प्लस आइसोनियाज़िड 800 + 300 का फ्रेंड्स। तो ये जो है इसमें सब में पहले आपको जो है निहार पेट उठते के साथ जो है रिफैमसिन खाते हैं, कैप्सूल खाते हैं, फिर नाश्ता कराते हैं, फिर नाश्ता करने के बाद 3 टैबलेट आपको खाना पड़ता है। ये जो 3-4 टैबलेट है 1-2 घंटे के अंदर आपको खाना है फ्रेंड्स। 84 आपको 2 महीने खाना होता है फ्रेंड्स, तो 2 महीने आपको तकलीफ हो सकती है फ्रेंड्स। बाद में 2 महीने होने के बाद आपको 4 महीने के लिए 82 दी जाती है जिसमें रिफैमसिन और आइसोनियाज़िड ऐसे 2 कंटेंट की एक ही गोली होती है फ्रेंड्स प्राइवेट में। तो रिफैमसिन है एस ऑफकोर्स 450 mg और आइसोनियाज़िड 300 mg का इसमें कंटेंट होता है फ्रेंड्स। ये टैबलेट रोज 1-4 महीने खाना पड़ते हैं। जब ये टैबलेट आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप डायबिटिक है तो आपको डायबिटिक लेवल चेक करना पड़ता है, आपको लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट आपको चेक करना पड़ता है फ्रेंड्स। और इसी के साथ आपको चेक करना पड़ता है क्योंकि आपको ये रेगुलरली मॉनिटरिंग करना पड़ता है ब्लड टेस्ट। 2 महीने के बाद आपको स्पूटम और एक्सरे रिपीट कराते हैं कि उसमें आपको नील हुआ है कि नहीं देखते हैं। फिर इसमें फ्रेंड्स आपको ये बताया जाता है कि वो भाई ये जो टैबलेट है इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स इमेंस और ह्यूज साइड इफेक्ट हैं। आपको कभी कभी लाल कलर का पेशाब हो सकता है, आपकी आंखें और आपके नख जो है लाल हो सकते हैं क्योंकि ये रिफैमसिन की वजह से होता है, इसमें डरने की बात नहीं है। प्लस ये ड्रग्स जो हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स ये हिपाटोटॉक्सिक रहते हैं और कि रिनल पे भी ये टॉक्सिक नेचर बताते हैं, ब्रेन को टॉक्सिक करते हैं, ये वीक करते हैं पेशेंट को, ये एनोरेक्सिया भी लाते हैं। तो इसके साथ जो है फ्रेंड्स आपको कुछ न्यूट्रिशन, कुछ सप्लीमेंट्स भी लेना पड़ता है जैसे कि रेबोफ्लेविन विटामिन B6 आपको लेना पड़ता है, फॉलिक एसिड आपको लेना पड़ता है फ्रेंड्स। इसके साथ आपको लीवर के टॉनिक LEU-52 लेना पड़ता है, वे प्रोटीन्स आप ले सकते हैं फ्रेंड्स क्योंकि आपको प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा गरज है। तो इस प्रकार से जो है आप इसके साइड इफेक्ट्स भी अवॉइड कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपको एंटीबायोटिक कुछ दिन खाना पड़ेगा, आपको कफ सिरप, प्रोटेक्टिव कफ सिरप कुछ दिन पीना पड़ेगा फ्रेंड्स। ऐसा करेंगे और आप उबले हुए अंडे खा सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें आप जिसको प्रोटीन रिच डाइट जैसा बोलते हैं, चिकन है, उबले हुए अंडे हैं, ऐसे डाइट इसमें खा सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये तो हुआ डिटेल डिस्कशन ऑन ट्यूबरक्लोसिस। बट ट्यूबरक्लोसिस के आगे की मैं थोड़ी बात देता हूँ कि लोग जो है ये 2 महीने 6 महीने की भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, 2 महीने में ही ट्रीटमेंट स्टॉप करते हैं क्योंकि साइड इफेक्ट्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स उनको आते रहते हैं। तो वो प्रॉब्लम आने के बाद वो पेशेंट डिफॉल्ट में चले जाता है, मतलब उसने ट्रीटमेंट वहाँ पर छोड़ दिए, तो सेकेंड टाइम उसको जो है टीबी फिर से रिलैप्स हो जाता है। सेकेंड टाइम पे उसको टीबी होता है, तो सेकेंड टाइम अब जब टीबी होगा तो ये 6 महीने का ट्रीटमेंट सेम रहता है, 2 महीने 84 और 4 महीने 82। बाद में उसमें हम एक स्ट्रिप्टोमाइसिन का इंजेक्शन ऐड करते हैं 2 महीने के लिए स्टार्ट का। तो ये हुआ सेकेंड टाइम पे। अगर सेकेंड टाइम पे भी ट्रीटमेंट छोड़ा और थर्ड टाइम पे टीबी रिलैप्स हुआ तो उसको हम MDR ट्यूबरक्लोसिस में, MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में वो पेशेंट जाता है और वहाँ पे हम वैनकोमाइसिन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरी टीबी की जानकारी जो है आप सुनिए, समझिए और अपने दिमाग में बटा लीजिए। और एक लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने MDR में भी फेल हुआ तो उसके आगे के स्टेज में चले जाएगा। दोस्तों मैं इसके आगे पे सेकंड पार्ट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बताऊंगा जिसमें मैं आगे के स्टेजेस बताऊंगा और पीडियाट्रिक में ट्यूबरक्लोसिस कैसा है वो बताऊंगा। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हमसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।